और दिल्ली में बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन आज बैठक में भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हो रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी बैठक में मौजूद है। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा की इस बड़ी बैठक में कई खास मुद्दों पर चर्चा संभव है। बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों की बैठक जो है दिल्ली में चल रही है और इस बीच कई राज्यों के जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक मानी जा रही है जिसमें लोकसभा चुनावों को लेकर और आगामी होने वाले उपचुनावों को लेकर खास चर्चा देखी जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है और आज बैठक का जो है दूसरा दिन और अंतिम दिन है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली से संवाददाता आरती राय हमारे साथ जुड़ चुकी है। आरती, जो बीजेपी शासित राज्यों की बैठक चल रही है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? आज दूसरा दिन है बैठक का और क्या कुछ खास इस बैठक में रहने वाला है आज? जी ऋतुश्री, आपको बता दूं भाजपा हेडक्वार्टर में आज दूसरा दिन है बीजेपी की अहम बैठक का और उसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। पूरे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक है और इसमें अध्यक्षता जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, संगठन के जो सभी महामंत्री हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। कल भी जो सभी मौजूद थे, लेकिन आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं या तो पार्टी में हो रही अंदरूनी गुटबाजी को लेकर है या फिर विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं चार राज्यों में, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर, इन सभी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन इसका कोई अभी अपडेट नहीं है, बट हो सकता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये इतनी बड़ी बैठक की जा रही है। दूसरा दिन है लगातार और लोकसभा चुनाव के बाद आपको बता दूं कि ये बहुत अहम बैठक है, पहली बड़ी बैठक है भाजपा की जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों, भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, उप मुख्यमंत्री को बुलाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव को लेके भी और पार्टी का जो कामकाज कैसा चल रहा है, मुख्यमंत्रियों का कामकाज कैसा चल रहा है उसका रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए भी ये बैठक कहीं ना कहीं की जा रही है। जी आरती, जैसे कल देखा गया कि कल भी जो है 3 घंटे से ज्यादा बैठक चली और आज भी जो है अभी 11 बजे वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम है, उसके बाद कंटिन्यू वापस ये बैठक चलेगी। तो आज क्या कुछ खास चर्चा हो सकती है बैठक में? जी जैसा मैंने बताया कि सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भी जो 4 राज्यों में होने वाले हैं और दूसरा ये हो सकता है कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे रिपोर्ट कार्ड दिया जाए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की है, उन सभी को लेकर इन सभी पर चर्चा की जा सकती है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, साथ ही मोहन यादव है, भजन लाल शर्मा है, राजस्थान के विष्णु देव साय है, नायब सिंह सैनी है, भूपेंद्र पटेल है गुजरात के। तो ये सभी मुख्यमंत्री जो भी भाजपा शासित राज्यों के हैं ये सभी यहाँ पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं जिसमें सभी चीजों पे तय हुआ कि विधानसभा चुनाव में किस तरह से तैयारी की जानी थी और क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है मुख्यमंत्री ने, उनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। जी आरती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए।